नहीं, एमसी स्टेन ने आप देखा ना, आपने उनके 3 लाख फॉलोवर भी कम हो गए सोशल मीडिया से, और काफी लोग जानते हैं, क्योंकि मेरा जो टैलेंट है ना, मैं आपको मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई दिखावा नहीं है। एमसी स्टेन अगर मेरे टैलेंट को, मेरे किरदार को अगर वो क्रिंज बता रहा है, तो वो इसके बाद आप मुझे अपने दिल में भी देख सकते हो। बाकी अगर कोई रियलिटी शो अगर मेरे पे कोई अच्छा आया, तो मैं जरूर उसमें आऊँगा और जरूर अपना किरदार दिखाऊंगा, लेकिन देखने के लिए लोगों को वही मिलेगा जो मैं। देखो जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा सोशल मीडिया के सामने, मैं किसी को नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि खुद की नज़र में सिर्फ एक ही सुपर स्टार है, वो है खुद पुनीत सुपर स्टार। तो भाई सिर्फ मैं पुनीत सुपर स्टार को जानता हूँ, मैं ना सलमान खान को जानता, ना मैं शाहरुख खान को जानता, ना मैं अजय देवगन को जानता, मैं किसी को नहीं जानता। कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, थोड़ी भाई की भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब गलती से कुछ इन्होंने कुछ मुझे मतलब कुछ इनके पास गलत कमेंट जा रहे थे मेरी फेक आईडी से, कुछ फेक नंबर से। और एक इंटरनेशनल नंबर की बात भी मैं बताना चाहता हूँ, कि आजकल क्या होता है, इंडिया के जो लोग हैं उनको कई बार शिकायत होती है कि इंटरनेशनल नंबर से कॉलें आती हैं। तो आजकल एक ऐसी एक ऐप आ गई है सोशल मीडिया पे, जो अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो, अगर आप किसी इंडिया के नंबर से इंडिया के नंबर पे कॉल करोगे, तो वो इंटरनेशनल नंबर दिखाएगा। तो मेरे नाम से सोशल मीडिया पे लगभग 30 से 35 फेक अकाउंट बने हुए हैं, मतलब 30 से 35 लाख फॉलोवर हैं। तो मेरे नाम से सोशल मीडिया पे कुछ टाइम पहले भी मेरे पास ऐसी शिकायत आई थी कि तुम्हारे नाम से पैसा लिया गया है, काफ़ी ब्रांड मेरे नाम से चल रहे हैं जिनका मैं ओनर नहीं हूँ, जिनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे नाम से टी शर्टें बिक रही हैं मार्केट में। तो उसी तरीके से हमारे फैजान भाई के पास जो है ना कुछ गालियाँ चली गई थी या कुछ गंदे शब्द चले गए थे, तो फैजान भाई को ये लगा कि यार ये पुनीत सुपरस्टार की तरफ से आ गए। तो मैं बॉम्बे आया था, भाई से क्लियर हो गया है कि मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बाकी फैजान भाई बताएंगे। देखिए जी जी, कुछ बहुत बहुत धमकी मुझे थ्रेड्स आए हैं, और एक्चुअली पुनीत सुपरस्टार का नाम लेके धमकी आ रही थी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था। बट अभी पता लग गया है कि इनका नाम लोग यूज़ कर रहे थे, और बाकी बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं, मतलब जैसे इनकी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम आगे हो, मैं ये पूरी जो भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सारी चीज़ें थी कॉन्ट्रोवर्सी, उसको विड्रॉ कर रहा हूँ, वो ख़त्म कर रहा हूँ। ये मैं अभी आप सबके सामने नेशनल चैनल पर ही बता रहा हूँ, पुनीत भाई को ही बता रहा हूँ कि जो मेरे एंड से अगर इनको कुछ हुआ है, तो तहे दिल से मैं उसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। और मुंबई कमिश्नर को भी पर्सनली मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ कि मेरे फैजान अंसारी और पुनीत सुपरस्टार के बीच में जो भी था, वो जितने जल्दी हो सके ऑफिशियली, क्योंकि आपको पता होगा ऑफिशियली में फॉर्मेलिटीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, सो जितने जल्दी हो सकेगा हम वो सारी चीज़ें भी ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को आज हमने बताया। साथी मैं जानना चाहूँगा आपकी माता जी का तबीयत, हाँ थोड़ी तबीयत वगैरह नहीं, थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब है काफ़ी टाइमों से, तो उसका इलाज वगैरह चल रहा है। बस इसको कहना चाहूँगा कि अंदर बिग बॉस के घर में एक पुनीत सुपर स्टार ही था जो लोगों को हंसा रहा था, जो टैलेंट मतलब दिखा रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया इससे पहले भी कि मेरा जो टैलेंट है वो रियल है, कोई फेक नहीं है, दिखावा नहीं है। और ऐसा ही है, ये नहीं है कि ये बिग बॉस का सेट, ये तो बहुत बात की बात है। इससे पहले भी मैंने लगभग 64 यूट्यूब चैनलों पर काम किया है, तो जिन यूट्यूब चैनलों ने मुझे अपने चैनल पर काम करने का मौका दिया है, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं, और जिन्होंने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर काम करने का मौका नहीं दिया, वो आज जीरो में ख़त्म हो गए। तो यही कहना चाहूँगा बस। नहीं, एमसी स्टेन ने आप देखा ना, आपने उनके 3 लाख फॉलोवर भी कम हो गए सोशल मीडिया से, और काफ़ी लोग जानते हैं, क्योंकि मेरा जो टैलेंट है ना, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई दिखावा नहीं है। एमसी स्टेन अगर मेरे टैलेंट को, मेरे किरदार को अगर वो क्रिंज बता रहा है, तो वो अपने, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगा, होता रियल है, लेकिन क्या होता है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार मतलब अगर कोई बंदा छोटे शहर से उठकर अगर अपने दम पर बिग बॉस के अंदर घुसता है, अगर बिग बॉस के अंदर बड़े किरदार होते हैं, पुराने कोई सेलिब्रिटी होते हैं, कोई आर्टिस्ट होते हैं, तो जो गरीब इंसान का जो टैलेंट होता है ना, उन बड़े लोगों के पैसों के आगे ना वो कम पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। तो शायद कहीं ना कहीं इसलिए मैं बाहर आया, कहीं ना कहीं कॉल करी गई, लोगों को ये लग गया था कि यार पुनीत सुपरस्टार ये शो जीतने वाला है, क्योंकि 12 घंटे के अंदर पूरा का पूरा हिंदुस्तान मुझे देख चुका था, बिग बॉस पूरा हिल चुका था, और मैंने अपना टैलेंट ही दिखाया था, मैंने कोई कभी कोई गलत नहीं करा, और मेरे को कोई दुख नहीं है। पहले मेरे 5 लाख फॉलोवर थे, आज की डेट में 32 लाख फॉलोवर हो गए, सोशल मीडिया पर मेरे को लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। तो फिर मैं कहना चाहता हूँ कि भाई TRP शो को मिलने वाली है, मुझे नहीं मिलने वाली, तो जिसको जरूरत होगी वो पुनीत सुपर। मैं देखो जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा सोशल मीडिया के सामने, मैं किसी को नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि खुद की नज़र में सिर्फ एक ही सुपर स्टार है, वो है खुद पुनीत सुपर स्टार। तो भाई सिर्फ मैं पुनीत सुपर स्टार को जानता हूँ, मैं ना सलमान खान को जानता, ना मैं शाहरुख खान को जानता, ना मैं अजय देवगन को जानता, मैं किसी को नहीं जानता, मैं पुनीत सुपर स्टार को जानता हूँ, क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ और मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं गंदे काम नहीं करता, बस इतना ही कहना चाहूँगा। इसके बाद आप मुझे अपने दिल में भी देख सकते हो।
बाकी अगर कोई रियलिटी शो अगर मेरे पे कोई अच्छा आया तो मैं ज़रूर उसमें आऊँगा और ज़रूर अपना किरदार दिखाऊंगा, लेकिन देखने के लिए लोगों को वही मिलेगा जो आपने बिग बॉस में देखा था और जो बाहर देखा था, कोई चेंज नहीं मिलेगा। एक्चुअली वो इनका USP है, वो सब जगह यूज़ करते हैं और अच्छी बात है, इनके लिए वो आगे भी इनके काम आएगा। थैंक यू।